हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी वीडियो होने जा रही है कि कैसे अपने आप को मोटिवेशन या मोटिवेट रखें अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि आपके जो हैं अभी बहुत सारे जो एग्ज़ाम हैं वो लाइंड अप हैं। तो फ्रेंड्स, अभी रिज़ल्ट आया था RRB PO और RRB क्लर्क का, तो उसमें क्या हुआ कि बच्चों ने अच्छे अटैम्प्ट्स किए हुए थे फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, मतलब प्री भी क्वालिफाई नहीं हो पाया, मेंस के लिए वो क्वालिफाई नहीं हो पाए। तो फ्रेंड्स, मेरे पास भी कई बच्चों के मैसेजेस या कॉल वगैरह आए, उन्होंने पूछा कि सर, हम अभी हमें डीमोटिवेशन या हम डीमोटिवेट हो गए हैं कि जब हमने इतना अच्छा अटैम्प्ट किया है, उस इतने अच्छे अटैम्प्टेशन के बाद भी हमारे प्री हैं जो वो ही क्वालिफाई नहीं हो पा रहे, तो हम कैसे एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स देखो, फेलियर्स हर एक की ज़िंदगी में आते हैं, ऐसा नहीं कि आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, फेलियर्स हर एक की ज़िंदगी में आते हैं, मेरी ज़िंदगी में भी फेलियर्स आए हैं। पर फ्रेंड्स, अच्छी बात क्या है, इन फेलियर से आपको उभरना है, मतलब आपको डीमोटिवेट नहीं होना। ये मुझे पता है कि जब भी आपकी फेलियर्स आते हैं तो देखो, दुख तो होता है और दुख होगा, चलो ठीक है फ्रेंड्स, आपको एक दिन उसके लिए ले लेना है, सोचना है कि कहाँ पे मेरी गलती हुई, कहाँ पे क्या हुआ, पर आपको उसको ही लेकर बैठे नहीं रहना। अगर आप उसको लेकर ही बैठे रहोगे तो आप अपना जो है आगे कि जो आपके एग्ज़ाम्स जो अभी लाइंड अप हैं उनको भी आप ख़राब कर लोगे। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना फ्रेंड्स, आपको मोटिवेशन अपने अंदर रखना है। अगर आप, कई लोगों का ये भी कहना है कि अब हम चाहते हैं कि हम इसको छोड़ दें, स्किप कर दें, अब हम कुछ और ट्राई कर लें, तो फ्रेंड्स आप एक बार ये तो सोचो कि आपने ये शुरू क्यों किया था। जिस टाइम आपने प्रिपरेशन शुरू की थी तो आपने प्रिपरेशन किस वजह से शुरू की थी, क्या रीज़न था उसके पीछे। तो फ्रेंड्स, स्किप, अब आप ऐसे रास्ते पे इतने आगे सफ़र पर आ चुके हो कि अब आप वापस नहीं जा सकते फ्रेंड्स, क्या पता आपका ये लास्ट फेलियर हो, नेक्स्ट एग्ज़ाम आपके आपकी सक्सेस लेकर आए। तो फ्रेंड्स, आपको स्किप नहीं करना है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको मोटिवेशन अपने अंदर रखनी है और अपने एग्ज़ाम्स की जो है, जो आपके आगे एग्ज़ाम्स लाइंड अप है, SBI क्लर्क आपका, IBPS PO आपका, FCI, NABARD, PFRDA, जो सारे एग्ज़ाम्स हैं फ्रेंड्स, उसके लिए आपको अच्छी तरह प्रिपरेशन करनी है और अपने आप से ये वादा करना है कि अब की बार मुझे सिलेक्शन लेकर रहना है और जो गलती मैंने पीछे करी थी अब उस गलती को मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूँगा, जब तक सफलता ना पाओ सुख चैन को त्यागो तुम, असफलताओं को देखकर मैदान छोड़कर ना भागो तुम, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फ्रेंड्स, आपको यही अपने मन में रखना है। तो फ्रेंड्स, और अपने से वादा करना है कि हाँ, इस बार, इस साल, इस एग्ज़ाम में मैं अपना सिलेक्शन लेकर ज़रूर रहूँगा। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी वीडियो, मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स, और अगर आपके फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी का आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।